प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का समय दिया। हम पिछले कुछ समय से कुछ चीजें देख रहे हैं फाइनेंस के विषय में, मेरा धन मेरी जिम्मेदारी, माय फाइनेंस माय रिस्पांसिबिलिटी, इस विषय को हमने देखा। पिछली बार हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा कि किस प्रकार से धन हमारे लिए क्या काम रखता है, परमेश्वर का दृष्टिकोण धन के प्रति क्या है, ये सब बातों को हमने आज देखा है, मतलब पिछले हफ्ते में हमने देखा है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसकी एक श्रृंखला चलाने वाले हैं और इस श्रृंखला में एक एक पार्ट्स होंगे, अलग अलग विषय होंगे जो हमारे फाइनेंस को हमें समझाएंगे, जिसके द्वारा हमारा आर्थिक जीवन जो बिब्लिकल फाइनेंस के साथ चलता है उसे हम लोग सीखने वाले बने, समझने वाले बने। आज इस समय जब हम सीखने जा रहे हैं वो आज कमाने के विषय में सीखने जा रहे हैं, अर्निंग, अर्निंग के विषय में, कमाने के विषय में आज की सुबह हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये विषय आपको इसलिए हेल्प करेगा कि फाइनेंस के प्रति बाइबल का दृष्टिकोण क्या है और विशेष रूप से कमाने के प्रति, काम करने के प्रति बाइबल का दृष्टिकोण क्या है। इन दृष्टिकोणों की तरफ हम आज अपना नजरिया ले जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करना चाहता है। व्यवस्था विवरण, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स 18, आठवां अध्याय व्यवस्था का और 18 वचन ऐसा कहता है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पीछे हमारा परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर का हाथ होता है जो हमें शक्ति देता है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने ये व्यापार किया, मैंने ये बिजनेस किया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने मेरी बुद्धि से, मैंने मेरी ताकत से, मैंने मेरी मेहनत से, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, मैंने बहुत काम किया, इस कारण मैं इतना पैसा कमा पाया और अपने आप को मैं इस स्तर तक ले जा पाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल परमेश्वर है जो हमें धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। हम परमेश्वर के बिना किसी भी हाल में ये जो धन हम प्राप्त करते हैं, जो हम कमाई करते हैं, ये हम नहीं कर सकते बिना परमेश्वर की मदद से। बाइबल का दृष्टिकोण ये भी कहता है कि अगर हमें कमाना है, कमाना है, कमाने का वजह यह है कि जब हम इस पृथ्वी पर है तो हमें कमाना पड़ेगा, हमें हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए काम करना जरूरी है। कभी कभी ये नजरिया हो सकता है कि मैंने प्रार्थना किया और आसमान से छत फट गई और बहुत सारे नोट नीचे गिर गए, मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा और मुझे नोट मिल जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी नहीं करता है, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जब वो चमत्कार करता है, जब वो आश्चर्य कर्म करता है, कुछ ऐसे सिचुएशन में काम करता है, विशेष रूप से परिस्थिति देखी जाती है कि क्या परिस्थिति है। आप कहेंगे मैं सब कुछ कर सकता लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता, मैं बस बैठ के खाना खाना चाहता हूं, ऐसा परमेश्वर नहीं कराएगा। ये सब विषय आज क्लियर होंगे और इसलिए प्रभु चाहता है कि मनुष्य काम करे और काम करके अपना जीवन चलाए, पैसा कमाए और उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाकर विश्वास के मार्ग में चल के परमेश्वर की महिमा करने वाला बने। तो कमाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। पता है काम क्यों दिया परमेश्वर ने हमें? काम हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव का निर्माण करता है। परमेश्वर का स्वभाव है काम करना, परमेश्वर का स्वभाव है काम करना, और वो स्वभाव हमारे अंदर निर्माण करता है। और खुदा ने जो नियम बनाए हैं, परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं मनुष्य के लिए, जो कमाने को लेकर, काम करने को लेकर, वो सारे काम जो नियम उसने बनाए हैं, ये हमें समझने के लिए विशेष सहायता और मदद करता है। हमारे अंदर परमेश्वर ने खुद काम किया है ना, ईश्वरीय स्वभाव की मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने खुद काम किया। सृष्टि का जब निर्माण किया परमेश्वर ने तो उसने 6 दिन काम किया। बाइबल सिखाती कि 6 दिन काम किया परमेश्वर ने, तब जाके 7वें दिन विश्राम किया। जी हां, जब हम काम करेंगे तभी तो आराम मिलेगा, लेकिन जो काम ना करे उसे आराम कैसे?
उसे विश्राम कैसे? प्रभु ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, और यही नियम उसने हमारे लिए भी लागू किया कि तुम भी 6 दिन तो काम करना, लेकिन 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। परमेश्वर की आज्ञा है 10 आज्ञा में 1। तो परमेश्वर का स्वभाव है काम करना। हम शुरुआत से पढ़ते कि इस प्रकार से सृष्टि की रचना की, पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, सारी सृष्टि की रचना हम देखते हैं। उसके अलावा जब उसने मनुष्य का निर्माण किया, आदम और हवा का निर्माण किया, तो उनको भी काम दिया, तू इस बगीचे में रखवाली कर, घूम फिर देख, देखभाल कर। काम दिया आदम हवा को, काम दिया, जो खाना खा ले, जहां घूमना है घूम ले, ये सब की रखवाली कर, इन सब पर तू अधिकार रख। परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया, उसे काम दिया था, क्योंकि ये काम परमेश्वर का स्वभाव है, काम करना परमेश्वर का स्वभाव है। और वो काम किया, उसने 6 दिन काम किया सृष्टि के निर्माण में जब वो उसने काम किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज शांत बैठाने की, उसने 6 दिन काम किया और बाद में आराम से बैठ गया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी उद्धार पाए हुए की मदद के लिए, सहायता के लिए आज भी काम कर रहा है। ऐसा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा देता है उद्धार पाए हुए लोगों की मदद करने के लिए, दूतों को भेजता है, लगातार हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए इंतजाम कर रहा है। बहुत सी चीजें परमेश्वर काम कर रहा है, वो अभी बैठा नहीं है, वो काम कर रहा है। परमेश्वर का स्वभाव ही है मेरे प्यारों काम करना, और प्रभु यही चाहता है कि हम भी कमाने के लिए काम करें। हालांकि परमेश्वर ने कमाने के लिए काम नहीं किया, परमेश्वर ने एक काम, एक स्वभाव हमारे अंदर निर्माण किया, लेकिन उसने कमाने के लिए काम नहीं, उसने खुद ने कमाने के लिए काम नहीं किया। अगर उसने कमाया भी है तो क्या कमाया? उसने अपना एक लौता पुत्र देकर बहुत सारे बेटे और बेटियां उसने कमा लिया। आज मैं और आप जैसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को परमेश्वर ने अपनी संतान बना डाला, तो उसने अपने संतान कमाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वभाव उसने हमारे निर्माण किया, और आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में कामों के विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कमाने के प्रति परमेश्वर के सिद्धांत क्या है। सिद्धांतों को जानना पड़ेगा कि कमाने के लिए परमेश्वर का सिद्धांत क्या है। सबसे पहला सिद्धांत परमेश्वर का यह है कि काम नहीं तो खाना भी नहीं। यही सिद्धांत है परमेश्वर का, काम नहीं तो खाना भी नहीं। मतलब खाना भी नहीं मिलेगा अगर कोई काम नहीं करता तो। कहा लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10, 2 थिस्सलुनीकियों 3:10, जहां इस प्रकार लिखा है, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हमारी एक मेंटेलिटी रहती है कि मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग काम को लेकर आलसी रहते हैं, अरे कौन काम करेगा, कौन काम करने जाएगा, कौन पैसा कमाएगा, बस प्रभु से प्रार्थना करो, दिन भर की रोटी आज हमें दे। इंग्लिश में लिखा है ब्रेड, रोटी को ब्रेड बोला गया, दिन भर की रोटी ब्रेड हमें आज दे। अब भाई साहब, बहन जी, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, रोटी परमेश्वर की ओर से है, फ्री है, लेकिन रोटी के साथ अगर बोटी चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। रोटी फ्री मिलेगी, चावल खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सब्जी खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मिठाइयां खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा अलग वे में इसको बताया, लेकिन बाइबल ये बात हमसे कह रही है कि काम नहीं करेगा कोई तो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 बोलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को काम करना, अगर हमें खाना है, हमें खाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक हम काम नहीं करते, कमाते नहीं है, हमें खाने का अधिकार नहीं है, हमें काम करना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य का एक बाल्यावस्था रखा, बच्चपन रखा है। बचपन में बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, और माता पिता को आदेश दे कि तुम अपने बच्चों के लिए काम करो, बच्चों के लिए कमाए। बच्चे निर्भर होते हैं, जब वे अपने पाँव पे खड़े होते तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेना है और अपने परिवार की जिम्मेदारी आगे चलाना है। तो ये जिम्मेदारी दिया है कि हर किसी व्यक्ति को काम करने की जरूरत है, अगर काम ना करे तो खाने भी ना पाए। मेरे प्यारों, यही नियम है बाइबल का। बाइबल का दूसरा नियम है, जब आप काम करते हो तो कार्य, काम जो है वही आपकी आराधना का एक हिस्सा है, आराधना का एक भाग है। Colossians 3:23-24 इस प्रकार कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम कर रहे हो, काम कर रहे हैं हम लोग, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो।
जो भी हम काम कर रहे हैं किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे। कोई वो कहता है मैं मेरे बॉस के लिए काम कर रहा हूं, मैं मेरे मालिक के लिए काम कर रहा हूं, मैं मेरे फैमिली के लिए काम कर रहा हूं, नहीं। प्रभु का वचन बोलता है जो कुछ तुम करते हो मनुष्य के लिए नहीं तुम प्रभु के लिए करते हो ये समझ के काम किया करो। 24 वचन बोलता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, इसके बदले मीरास मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आपकी सोच क्या है? जो मैं काम कर रहा हूं, आप दिन भर जो भी कुछ काम कर रहे, जिस प्रकार का आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते, जो कुछ भी करते हैं पैसा कमाने के लिए, ये हमारे दिमाग में समझने की आवश्यकता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। परमेश्वर ये काम का निर्माण मेरे लिए कर रहा है और इसलिए मैं ये काम करता हूं, और इसी बात का परमेश्वर प्रतिफल हमें देता है। इसलिए हमें याद होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। दूसरी जो बात है कि काम में सफलता, हमें अक्सर कामों में प्रमोशन या सफलता की बात करते हैं, और सफलताएं जो होती है वो अपने आप नहीं आती है। बाइबल सिखाती है कि काम में सफलता केवल परमेश्वर दे सकता है। लोग अपने उन्नति पाने के लिए, प्रमोशंस पाने के लिए बॉस को, या जब अपने से बड़े अधिकारी होते हैं, अपने से बड़े मालिक होते हैं, उनकी बॉस हाँ जी करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको खुश करने के पीछे लगे रहते हैं कि उनको कैसा करके मैं खुश करूं, यदि वे खुश हो गए तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे लाभ मिल जाएगा। एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमें किसी के हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी अपील, अपनी अर्जी हमें परमेश्वर के पास देना है, और परमेश्वर के हाथ में है आपको प्रमोशन देना, कहां से उठाना, कहां बिठाना। पिछले बार हमने पढ़े थे कि वो ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें धूल में से उठा के चट्टान पे बिठा, एक स्तर का परिवर्तन हमने देखा था, जमीन से उठा के, धूल से उठा के, घुरे में से निकाल के, अधिपतियों के संग चट्टान पे तुम्हें बिठाता है, ये परमेश्वर करता है। उसके लिए हमें किसी इंसान के सामने, किसी बॉस के आगे, एक हिंदी वर्ड है चमचागिरी, हालांकि वो सही शब्द नहीं लगता मुझे बोलने में सुनने में, परंतु ये शब्द समझने के लिए बड़ा आसान है हमें कि बस किसी की चापलूसी करो तो हमारा काम निकल जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए। और ऐसा करने के लिए काफी सारे लोग प्रयास करते हैं, झूठ का मदद लेते हैं, झूठ का साथ लेते हैं, या गलत कामों का साथ लेते हैं, ताकि जिससे उनका फायदा हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उन्नति हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी तरक्की आपकी वजह से नहीं है, किसी और की वजह से नहीं है, आपकी और मेरी तरक्की हमारे परमेश्वर की वजह से है, परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर सफलता दे सकता है। जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 2 एंड वर्स 3, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और 2 और 3 वचन ऐसा कहता है, 39 चैप्टर ऐसा कहता है, यूसुफ के बारे में था, यूसुफ के बारे में लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था। हम जानते कि यूसुफ को बंधुआ बनाकर ले जाया गया था मिस्र में, तो यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। पोतीफर के घर में काम कर रहा है यूसुफ, और वो ऐसा लिखा है काम करता था अपने मालिक के घर में, और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। पहली बात, जो कुछ आप काम कर रहे हो ठीक है, परिस्थिति क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप काम कर रहे हो, लेकिन क्या उस काम में यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या आपके साथ है? या लिखा है कि यहोवा उसके संग था, और इसी वजह से यूसुफ भाग्यशाली यानी भाग्यवान पुरुष, आशीषित व्यक्ति बन गया। आगे लिखा है तीसरे कलम में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, सुनिए, एक गैर मसीह आदमी, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यह बात यूसुफ भी जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है और इसलिए मैं आशीषित हूं। और सिर्फ यूसुफ नहीं जानता है, यूसुफ जिस घर में काम कर रहा है, यूसुफ का गैर मसीही मालिक जो है वो भी जान लेता है कि इसका यहोवा परमेश्वर इसके साथ रहता है, इसलिए यूसुफ को मैं कुछ भी काम देता हूं। वो जो कुछ काम करता है जिसमें अगर हाथ लगा दिया तो वह काम को उसका परमेश्वर यहोवा सफल कर देता है। हालेलुया। इसका मतलब जान रहे हो, यूसुफ तरक्की करता गया,
यूसुफ जहां था वहां तरक्की करता गया। उसको लाया तो था गुलाम बना के, लेकिन पोतीफर ने अपने घर का एक विशेष व्यक्ति उसको बना डाला और सारे नौकर चाकर पूरा घर उसके हाथ में दे दिया। वो बड़ा आदमी ऊपर बिठाया उसको, वो यूसुफ नीचे बन के नहीं रहा। जब उसको जेल ले जाया गया उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था, हम देखते हैं कि जेल में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था और दरोगा ने देखा कि यूसुफ जो काम करता है परमेश्वर यहोवा इसके संग रहता है, इसको सफलता मिलती है। तो दरोगा ने भी यूसुफ को जेल में ऊपर वाला हिस्सा दिया, सबसे ऊपर रखा। जेल से बाहर निकाला जाता है, मिस्र में जाता है, फिरौन से बात होती है और फिरौन ने भी अपने देश में मामूली सिपाही बनाकर नहीं रखा, उसने प्रधानमंत्री बना डाला। क्या वजह है कि लगातार यूसुफ जहां जा रहा है वहां प्रमोशन मिल रहा है, वहां उन्नति हो रही है? एकमात्र वजह, यहोवा उसके संग था और उसी कारण यूसुफ प्रभावशाली और भाग्यशाली व्यक्ति बन गया। आपकी और मेरी सफलता, आपको और मेरा प्रमोशन, उन्नति हमारी वजह से नहीं आएगी, उन्नति परमेश्वर की वजह से आएगी। इसलिए प्रभु का हाथ थामे रहे, प्रभु को लेकर चले, प्रभु से निवेदन कर, प्रभु मेरे काम करने में आप सहायता कीजिए। चाहे आप छोटे से छोटा काम करते हो, कितना भी छोटा काम करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप चाय बेचते हो, रास्ते पर आप फल बेचते हो, सब्जी बेचते हो, छोटी मोटी दुकान लगा लेते हो, केवल 10-20 रुपया ही कमा लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन सब से गुजरा हूं, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इन सब से गुजरा हूं। 10 रुपया कमाने के लिए पूरा दिन खड़े रहना क्या होता है ये मुझसे पूछिए। मैंने मेहनत किया, मेहनत जानता हूं मैं, 10 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करना होता है, मेरे दूसरे गवाहियों में मैं सब बातें बता चुका हूं पहले ही। सो मुझसे पूछिए। सो ये तकलीफ आप जैसे भी उठाते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि उस 10 रुपया कमाने में आपका परमेश्वर आपके साथ है तो वह 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 60, ये उसका गणित बनता है। वो आपको उभारता चला जाएगा, बड़ा करता चला जाएगा, आपको प्रमोशन देना चालू कर देगा। आप थे कौन ये आप भूल जाएंगे और आप कहां रहेंगे ये आप याद करेंगे कि यहोवा का अनुग्रह कितना अद्भुत रूप से मेरे जीवन पर है। इसलिए आप ये मत सोचिए आप छोटा काम करते हो, इतना सही पैसा कमाते हो, ज्यादा पैसा कमा नहीं पाते हो, कोई बात नहीं। सफलता प्रमोशन परमेश्वर के हाथ में है। आप अगर चाय बेच रहे हो रास्ते पे खड़े होके, फल बेच रहे हो, नोटिस कीजिए क्या परमेश्वर यहोवा आपके साथ है? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि वो खड़ा है तो आपका टेंशन खत्म, आपकी जिम्मेदारी खत्म, परमेश्वर आपको आशीषित करना आरंभ करें, जो उसने यूसुफ के साथ में किया है। जी हाँ, यही चीज होती है। अगली बात जो हम बाइबल में पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो पदोन्नति की बात होती है, जो काम करते हैं हम लोग सफलता प्रभु देता है, लेकिन पदोन्नति ये इसमें जुड़ा हुआ है। भजन संहिता 75:6-7, Psalm 75:6-7, भजन संहिता 75:6-7 में ऐसा लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, बढ़ोतरी की बात हो रही है, सफलता की बात हो रही है, पदोन्नति की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है, ना पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है जो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। खुदा के हाथ में है किसको बिठालना है, आपका डिमोशन और आपका प्रमोशन ये खुदा के हाथ में है। जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया परमेश्वर ने उसको प्रमोशन दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में असफल ठहरा परमेश्वर ने उसका डिमोशन कर दिया, नीचे बिठा दिया। मैंने बड़े बड़े लोगों को नीचे बैठते देखा हूं, बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग, अरबपति लोग जमीन पर आ गए। भारत का एक किस्सा फेमस है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी का बेटा, खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम दुनिया में था, उसके बारे में मैं इन दिनों पढ़ रहा था। वो कहता कि मैं तो पूरा कंगाल हो गया, मुझे सब कुछ बेच देना पड़ा, मैं रास्ते पर आ रहा हूं, बहुत मुश्किल। बड़े बड़े रोड करोड़पति रोडपति बन गए, रोड पर आ गए। जी हाँ, और जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, भले वो छोटा काम करने वाला आदमी था, परमेश्वर ने कहां से उठा के कहां बिठाल दिया ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा हूं ऐसे लोगों को, छोटों में से बड़े होते हुए और बड़े में से छोटे होते हुए। जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया प्रभु ने उसको प्रमोशन दिया, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में असफल ठहरा प्रभु ने उसको बिठा दिया। कोई उदाहरण बाइबल से याद है आपको? कोई प्रसिद्ध उदाहरण याद है? बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है बाइबल में। जी हाँ, आपका इशारा एकदम सही है। हम पुराने नियम की तरफ देख रहे हैं। पुराने नियम में शाऊल नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा ठहराया, हालांकि प्रभु राजा बनाने के
पक्ष में नहीं था, राजा बनाने के पक्ष में नहीं था कि एक ही राजा होना, फिर भी लोगों ने डिमांड किया, मांग किया, तो परमेश्वर ठीक है शाऊल को देखकर, ये अच्छा है, ठीक है, मेरा भय मानता है, मेरे साथ चलता है, ये राजा, इसको बनाना चाहिए। उसको राजा बना दिया गया, शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में शाऊल असफल हो गया परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करने में। जब असफल हो गया तो परमेश्वर उसको बिठा दिया, बैठ भाई बैठ, तेरा काम खत्म हो गया, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू बैठ जा यहीं पे, मैंने एक चरवाहे को नियुक्त किया है। चरवाहा आम आदमी, साधारण आदमी, सारा टाइम जंगल में रहता है, भेड़ बकरियों के पीछे रहता है। एक चरवाहे जिसका नाम दाऊद है, उसको नियुक्त किया है, अब वो राजा बनेगा, क्योंकि उसने मुझे प्रसन्न किया है, उसने मुझे खुश किया है, उसने मेरे समान, मैं जो चाहता हूं वैसा जीवन जिया है और परमेश्वर को उसे खुश किया, इसलिए तू राजा नहीं बन सकता। उसको बिठाल दिया गया और उसकी जगह एक चरवाहे दाऊद को राजा बना दिया गया। इसका मतलब यही है, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया वो सीधा हाई जंप लगा सकता है, और जिसने परमेश्वर को अप्रसन्न किया नबूकदनेस्सर के समान नीचे भी गिर सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि फाइनेंस के कुछ नियम है, हम कमाई के बारे में और अर्निंग के बारे में इस समय हम लोग समझ रहे हैं। अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि केवल परमेश्वर है जो प्रत्येक व्यक्ति को हुनर देता है ताकि वो काम कर सके। देखिए, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने यूं ही नहीं भेज दिया, हुनर दिया है, हुनर दिया है, काम करने का हुनर होता है, पैसा कमाने का हुनर होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी कलाकारी करते हैं, बहुत सारे हुनर उनके पास होते हैं, और अपने हुनर के आधार पे वो बहुत सारे काम कर लेते, पैसा कमा लेते। हर किसी को दिया है परमेश्वर ने, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान को एक हुनर दिया है, भी छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हुनर सबको दिया है। फर्क इतना है कि हम उस हुनर को कितना समझते हैं, कि मेरे अंदर खुदा बाप ने कौन सा हुनर छुपा के रखा है। ढूंढो ढूंढो, परमेश्वर ने दिया है आपको पता ही नहीं चलता, ढूंढो। जब आप करोगे तो आपको लगेगा, अच्छा मैं ये भी कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं था मैं ये कर सकता हूं करके। मैं फोर व्हीलर चलाने के बारे में सोचता था कि नहीं ये तो बहुत ही आसान होगा, टू व्हीलर चलाना बहुत मुश्किल है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास फोर व्हीलर थी, और वो हमेशा कहता था चला 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 के देख, बोला नहीं नहीं ये तो कभी भी चला लूंगा मैं, ये तो कभी टेंशन नहीं है, इसके चार चक्के होते ये गिरने वाली है नहीं, जो दो चक्के होते वो चलाना बहुत टफ है, वो कभी भी गिर सकती है, मेरी सोच ये थी। और मैं उसको बड़ा आसान समझता था फोर व्हीलर चलाना, लेकिन जब मैंने फोर व्हीलर चलाने के लिए शुरुआत किया तो पहले दिन जब मैंने स्टीयरिंग को हाथ लगाया तो समझा ये उतना आसान नहीं जितना मैं इतने सालों से कहते आ रहा था, ये आसान नहीं है, मुझे मुश्किल लगा। लेकिन चार पांच छह दिनों के बाद देखा कि ये हो सकता है, और सातवें आठवें दिन मैंने देखा यस, मैंने कर दिखाया, मैं तो सीख गया। इसका मतलब ये था कि ईश्वर ने मेरे अंदर एक हुनर डाला था फोर व्हीलर चलाने का, मैं ही समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने करके देखा तो लगा अच्छा ये ऐसा होता है, ये तो बहुत आसान है, अब मुझे गाड़ी दो मैं कितना भी किलोमीटर चला सकता हूं। सवाल ये है कि कई बार हम ढूंढते नहीं है कि खुदा ने मेरे अंदर कौन सा हुनर डाल के रखा है, हमें पता नहीं होता है। जिसको पता लगा वे करोड़पति बन गए, उन्होंने ढूंढ निकाला अपने अंदर का हुनर, फिर किसी भी फील्ड का आदमी हो, किसी भी फील्ड का आदमी उसे ढूंढ निकाला और कमाल कर दिया उसने। लेकिन हम ढूंढते ही नहीं है, और इस वजह से हम लोग हुनर को समझते नहीं है। निर्गमन 36वां अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है, एक्सोडस चैप्टर 36 एंड वर्स फर्स्ट ऐसा लिखा है, और बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। ध्यान देने वाली बात क्या है, लिखा है यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने। ऊपर की लाइन में लिखा है यहोवा ने उनको ऐसी बुद्धि और समझ दी। पवित्र स्थान में जो बहुत काम किया गया था, इस काम के लिए लिखा है यहोवा ने उनको ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दी थी। दरअसल हुनर दिया था,
किस बात के लिए? ताकि पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए जो काम वहां पे करना था, मंदिर का जो काम करना था, उस मंदिर का काम क्या क्या करना है वो सब काम ये जाने। सीमेंट का काम करना है, पीतल का काम करना है, सोने का काम करना है, कपड़े का काम करना है, जमीन का काम करना है, छत का काम करना है, कुछ भी नक्शेदार वाला काम करना है, क्योंकि नक्शेदार काफी चीजें थी मंदिर में, ये सब काम करना जानने वाले लोग थे। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनको बुद्धि और समझ दिया था ये काम करने के लिए। क्या आप जानते है आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर ने एक हुनर दिया है ताकि हम काम कर सके, और इस हुनर का इस्तेमाल आप कमाने के लिए कर सकते हो, क्योंकि कमाने के लिए काम करना जरूरी है। फिर काम कोई भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे काम आसान होते चले जा रहे हैं, घर बैठे बैठे लोग पैसा कमा सकते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके। काफी चीजें हैं, आजकल परिस्थितियां बदल गई है, पहले समान नहीं रही है। सो परमेश्वर सभी को हुनर देता है। आप ढूंढिए, आप यूं बैठे हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे माता पिता ने कुछ पैसा कमा के रखा नहीं, मेरे पास विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, मैं क्या कर सकता हूं। और ये सोच के आप नकारात्मक भावना से ग्रसित हो गए हैं और आप नीचे आ रहे हैं और हर बार दोष देते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मुझे काम नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सोचना बंद कीजिए, घुटने टेक के प्रभु से बात करना शुरू करें। प्रभु मुझे बता मेरे अंदर कौन सा हुनर छुपा है, मुझे बता मेरे अंदर कौन सा हुनर छुपा है। प्रभु बताएगा, तू ये काम कर, इस काम को हाथ लगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीषित करेगा। और वो उस हुनर को जब आप काम लगाओगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। ये जरूरी नहीं कि आपके पुश्तों से जो काम चलता आ रहा है वही काम आपको भी करना है, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर काम में भी बदलाव लाता है। पत्रस के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, उसके पिताजी क्या काम करते थे, उसके दादाजी क्या काम करते थे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जानते कि पतरस लंबे समय से मछलियां पकड़ने का काम करता था और बहुत बहुत होशियार, बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी था पैसा कमाने में, अपने काम करने में, मछलियां पकड़ने में, और मछलियां पकड़ के अपना घर चलाता था। लेकिन जब यीशु के साथ उसका सामना हुआ तो प्रभु ने उसका काम ही बदल डाला। बोले, पतरस कैफा, तू आज के बाद मछलियां नहीं, तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। उसका काम ही बदल डाला, है ना। ये काम का उसको अनुभव नहीं कि मनुष्य को कैसे पकड़ना पड़ता है, फिर भी इस काम में महारत हासिल किया और कई आत्माओं को जीत लिया। याद है वो दिन, अकेला खड़ा होके जब आत्मा से भरकर प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के बारे में बता रहा था, तो उसका प्रचार सुन के उस इंटरनेशनल मार्केट में 3,000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था। मैंने आज तक नहीं सुना ये किस्सा, किसी एकदम फ्रेश लोग, नए लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यीशु के संदेश सुनते बराबर इतने लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना और फर्स्ट टाइम बपतिस्मा के लिए तैयार हो गए। मैंने नहीं सुना इतना केस आज तक। ये सिर्फ पतरस ने कर दिखाया, क्योंकि प्रभु ने उसका काम बदल दिया। हुनर, अब हम वापस काम पर आएंगे कि परमेश्वर हमें हुनर देता है काम करने के लिए। आप ढूंढिए मेरे अंदर क्या हुनर है और आप इस्तेमाल कीजिए। यहोवा आपके संग रहा तो उस छोटे से हुनर को परमेश्वर यूज करेगा, है ना। विलियम केरी चमड़े का काम करता था, चप्पल सिलता था, जूते बनाता था पुराने, और चमड़े के टुकड़े काट काट के, उन दिनों गूगल नहीं था कि आप उसमें वर्ल्ड मैप ढूंढ ले, रास्ता ढूंढ ले, जीपीएस के थ्रू रास्ता ढूंढ ले, ये सब नहीं थी। मैप भी मिलना आसान नहीं था। चमड़े के टुकड़े काट काट के चिपका चिपका कर नक्शा बनाया था और उस नक्शे के आधार पर वो भारत देश पहुंचता है। क्या अद्भुत बात है। हुनर ढूंढिए अपने अंदर क्या हुनर है, उसका इस्तेमाल करना जाने। डेविड लिविंगस्टन के पास एक हुनर था, वो ग्रहों का, तारों का अध्ययन करता था और ये पता लगा सकता था कि पानी कहाँ मिलेगा। अफ्रीका में पानी नहीं मिलता था लोगों को। जब वो अफ्रीका सेवा करने के गया तो खुदा ने उसके हुनर दिया और उस हुनर का इस्तेमाल सेवकाई के लिए हुआ कि वो बोलता था यहां खोदो यहां पानी निकलेगा, सचमुच वहां पानी निकलता था। ये हुनर दिया था और उसके द्वारा वो अफ्रीका में काफी प्रसिद्ध हो गया, सेवकाइयां किया और अफ्रीका ने कई उसको सराहा, डेविड लिविंगस्टन को, जो प्रभु की सेवा करने के लिए वहां गया। मेरे प्यार, ढूंढे अपने अंदर कौन सा हुनर प्रभु ने आपके अंदर रखा है। काम के प्रति आलसी ना बने। कई बार लोग आलस कर लेते हैं, आलसी बन जाते हैं कि भाई मुझे नहीं काम करना है, बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान हो रही है। वचन कहता है, नीति वचन 18:9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:9 में लिखा है, जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। जो काम में आलस करता है, क्या आप आलसी है? आलसी कौन थाली में हाथ डालेगा, है ना, कौन
रोटी तोड़ेगा, कौन सब्जी में डुबाएगा, कौन मुंह में खाएगा। बहुत आलसी होते लोग, जी हाँ ऐसे बहुत आलसी होते हैं। और लिखा है आलस, जो काम में आलस करता है, काम की बात कर रहे हैं हम लोग, जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। इसका मतलब जो तकलीफ है, जो नुकसान, जो बिगाड़ आपके फैमिली में, आपके जीवन में आ रहा है, उसकी कई सारी वजह आपका आलस भी हो सकता है। उठे, आलसीपन छोड़े, काम पे लगे, ढूंढे प्रभु ने मेरे लिए क्या काम रखा है। नीति वचन 12:27 ऐसा कहता है, 12:27 प्रभु ऐसा कहता है कि आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। जो कामकाजी होते हैं उनको बहुत ही खास अनमोल वस्तुएं मिलती है। एक आदमी ने ऐसा कहा था कि जो पेड़ किसी ने आज छाया दे रहा, वो पेड़ लगाया है, वो पेड़ के नीचे बैठा है, छाया मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत साल पहले उसने मेहनत करके ये पेड़ को उगाया है, तभी आज उसका प्रतिफल उसको मिल रहा है। मेरे प्यारों, कामकाजी लोग जो होते हैं, काम ढूंढने वाले, काम करने वाले, काम चलने चलाने वाले, वे लोगों को अनमोल वस्तु मिलती है, ऐसा प्रभु कहता है। इसलिए काम के प्रति हम लोग आलसी ना बने, हमारा आलस दूर करें। एक और चीज होती है जो हमें कंगाल बना सकती है, पता है क्या? संसार का मनोरंजन और अत्याधिक नींद। एक होती है नींद, हम सोने में बहुत समय बिता देते हैं। अगर कोई आदमी 50 साल जीता है तो तकरीबन 25 से 30 साल सोने में बिता देता है, हम इतना सोते हैं। नींद अच्छी नहीं हमारे लिए, उठो। मैं कई बार हड़बड़ा के उठ जाता हूं नींद से, दिन में सोने की आदत नहीं है, पर कभी अगर गलती से आंख लग गई तो कभी कई बार मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूं, अरे मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रभु का काम करना, मैं सो कैसे सकता हूं, रात को कई बार उठ जाता हूं। इसका कारण यह होता है कि हमें बहुत ज्यादा नींद से प्यार नहीं करना है, नींद ठीक नहीं है हमारे लिए। और दूसरा होता है संसार का मनोरंजन। संसार का मनोरंजन क्या है? बस टीवी देखो, फिल्म देखो, एक खत्म हो गई दूसरी देखो, दूसरी खत्म हो गई तीसरी देखो, बहुत समय ही समय हमारे पास में, ये गाना सुनो, वो गाना सुनो, ये मूवी देखो, यहां घूमने चलो, यहां खाने चलो, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। क्या आप जानते हैं ये संसार का मनोरंजन और अत्याधिक नींद आपको कंगाल भी बना सकती है? क्या आप जानते हैं? मैं बताना चाहता आपको। वचन बोलता है नीति वचन 21 उसका वचन 17, Proverbs chapter 21 and verse 17 ऐसा कहता है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल होता है। राग रंग क्या है भाई? यही है खाना पीना बजाना घूमना, ये वो बहुत ज्यादा। मनोरंजन भी जरूरी है हमारे जीवन में, ये नहीं कह रहा कि कुछ मनोरंजन जरूरी नहीं है, मनोरंजन बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन मनोरंजन के पीछे आपने सुबह से जो टीवी, कई बार लोगों ने घर में सुबह से जो टीवी शुरू हुआ और रात तक बंद ही नहीं होता है, एक के बाद एक, एक सीरियल दूसरा सीरियल तीसरा सीरियल, एक फिल्म दूसरी मूवी तीसरी मूवी, और फिर ये गाना चलते, खत्म होने का नाम नहीं लेता है। कारण उसका क्या है? हम बहुत मनोरंजन के दीवाने हो रहे हैं। मनोरंजन इंडस्ट्री बहुत इसलिए भी बढ़ रही है, पैसा कमा रही है, क्योंकि उसको चाहने वाले, उसको देखने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। जी हाँ, जो लिखा है वचन, राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। दाख मधु पीने, जिनको पीने का भी शौक है, बस खाना और पीना, पीने का भी शौक। भारत में अक्सर देखा जाता है कि लोगों को टेस्ट एंड एंटरटेनमेंट ये मायने रखता है, खाना अच्छा चाहिए। 56 भोग बोलते थाली को ना हमारे यहां, 56 भोग, बहुत सारी थाली भरी हुई, उतना खाए तो लगता है भाई खाना खाए जैसा, हमारे देश 56 भोग की थाली। और घूमना फिरना ऐसा लिखा है, तेल लगाना, धनी वो धनवान नहीं होता। लोगों को पीने का शौक, खाने का शौक, कई देशों में ऐसा होता है वो 56 भोग की थाली नहीं खाते हैं, वो सोचते मुझे आज कितनी कैलोरी की जरूरत है, आज मुझे कितनी प्रोटीन की जरूरत है, उतना सोचते हैं। और कोई एक छोटा ब्रेड खा लिया, कोई छोटा हॉट डॉग खा लिया, बस हो गया आज का काम खत्म। लेकिन हमारे ऐसा, जब तक हम 5-7 टाइप की सब्जियां ना खा ले, 4-5 टाइप की मिठाइयां ना खा ले, लगता ही नहीं कि हमने खाना खाया। हम बहुत खाने के, खाना प्रिय है, शौकीन है हम लोग। लेकिन बाइबल कुछ कह रही है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल होता है, जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनवान नहीं होता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने, मैं सोचता हूं कि 10 में से
छह लोग कंगाली की तरफ सिर्फ इस वजह से बढ़ गए हैं। राग रंग यानी मनोरंजन संसार का अत्याधिक मनोरंजन और अत्याधिक नींद और एक खाना पीना के शौक शौकीन जो होते इन्होंने लोगों को कंगाल कर डाला। बीच में एक व्यक्ति को चैन स्नैचिंग पर करते हुए पकड़ा गया और जब उसको पूछा गया कि ये तूने क्यों किया, वो कहता मेरे शौक ज्यादा है, मुझे ये खाना है, वो घूमना है, वो फिरना है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, उसको खाना खाने ले जाना है, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं बस लोगों की चैन खींचता हूं, छीनता हूं और उसके आधार पे पैसा कमा के मैं अपना शौक पूरा करता हूं। भैया एक टीवी पर ऐड देखा मैंने, शौक बड़ी चीज है, मुझे बड़ा शौक लगा ये सुन के कि वो कहता है शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है, ये शौक आपको कंगाल बना सकता है, ये आपको नहीं पता, ये बाइबल को पता है। सुनो बाइबल पढ़ो। एक वचन कहता है 20वां अध्याय नीति वचन 20 वचन 13 में कहता है नींद से प्रीति नारक नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। नींद से प्रीति नारक नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। यस, हमें कोई आलसीपन करने की जरूरत नहीं है, नींद में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उठो काम करो, ज्यादा ये मनोरंजन में ना चलो, मनोरंजन जितना जरूरी है उतना ही लो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। बॉडी के लिए शक्कर भी जरूरी है, नमक भी जरूरी है, हमारे जितना जरूरी है उतना ही, लेकिन ठीक है, जरूरत से ज्यादा होने के परिणाम क्या होते हैं, आप में से कोई डॉक्टर है वो बराबर बताएंगे कि ज्यादा नमक के परिणाम क्या होते हैं और ज्यादा शक्कर के परिणाम क्या होते हैं। कोई भी चीज हमारे बॉडी के लिए ज्यादा ठीक नहीं होती, एक प्रमाण होता है उसका और उतने ही प्रमाण में होना वो जरूरी होता है। अगली बात हम करेंगे, जब हम काम की बात कर रहे हैं, कमाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल उठेंगे, अधिकतर लोग ये हो सकते हैं आज सुनने वाले कि हम तो भाई सेवकाई करते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या, हम कौन सा काम करें। जी हाँ, आप भी काम कर सकते हो, लेकिन वचन के अनुसार अगर हम देखें तो वचन में काम ठहराया है। 1 Corinthians 9:14 में, 1 Corinthians 9:14 में लिखा है कि इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ये नियम है बाइबल का कि सुसमाचार सुनाने वालों की जीविका सुसमाचार से होना चाहिए। आप जो सेवकाई करते हो अच्छी बात है, लेकिन क्या सेवा करते हो थोड़ा ये भी सोचना जरूरी है। आप सुसमाचार सुनाने में कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना अपना टाइम दे रहे हो, कितना परिश्रम दे रहे हो, कितनी कीमत चुका रहे हो, ये मायने रखता है और उसके बाद परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देता है। दरअसल आजकल सेवकाई के और सुसमाचार के मायने ही बदल गए हैं। लोगों को लगता है बस यहां बैठो, कुछ तो भी उल्टा पुल्टा रिपोर्ट बना लो तो पैसा मिलेगा। आजकल लोग ये सोशल मीडिया और यूट्यूबर दुनिया भर की चीजों के द्वारा भी पैसा कमाने की बात करते हैं। मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। भाई आप सारे वीडियोज देख लीजिए, कौन से वीडियो में हमने पैसा मांगा, सबसे पहली बार हमने कहीं पैसा नहीं मांगा, दूसरी बात हमने कहां हमारा नीचे हमारा अकाउंट नंबर लिख के रखा कि अकाउंट नंबर ये है और इसमें आप पैसा भेजिए। हम ऐसी सेवा बिल्कुल भी नहीं करते, आपको बता दूं मैं, हम खुद अपने पैसों से, परिश्रम से, मेहनत से खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत दरवाजे थे और काफी दरवाजे तोड़कर बंद करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है। किसने कहा भाई हम तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है विदाउट एनी सपोर्ट, तो क्या करेंगे, हम निर्भर है खुदा पर, हम किसी इंसान के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं मांगेंगे। मुझे कई बार कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है, कभी भी नहीं मांगता, किसी से बात नहीं करता, मैं प्रभु के सामने निवेदन रखता, प्रभु इतनी तकलीफें चल रही है, आप मुझे जरूरत है आपकी, आप जरूरत पूरी कीजिए, परमेश्वर पूरी करता है। हम किसी को भी हमारे चैनल के नीचे लिख कर नहीं रखते हम लोग कि हमारा अकाउंट नंबर ये है, जिस प्रकार आजकल सब जगह चलते हैं हमारा अकाउंट नंबर, प्रभु आपके दिल में काम करेगा तो हमें दान भेजो, हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते। आज जो मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ ये मांगने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है हमारे लिए काम कितना जरूरी है। अगर आप काम करते हो, अगर आप कमाई करते हो, आप उसका परिवार चलाते हो, उसका मुझे 1% भी फायदा नहीं है। आप कमाई करके मुझे नहीं देने वाले हैं, ये आपकी कमाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए काम आएगी। मेरा काम यह है कि खुदा ने मुझे ये बोझ दिया है, ये सिखा और इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूं। जिसको सीखना है सीखे, जिसको ना सीखना है नो प्रॉब्लम, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वचन कहता है, सेवकाई की बात कर रहा था मैं, सेवकाई के लिए जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो सुसमाचार ऐसा नहीं घर बैठो किसी को फोन लगा दो, किसी को भावनात्मक रूप से इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, किसी को कुछ ये कर दो, ये सब बातें नहीं है। मेहनत करो खुदा के राज में, खुदा आपको मेहनत का उसका प्रतिफल देगा।
है ना, नियम है बाइबिल का। और एक प्रसिद्ध वचन बाइबिल का आप जानते हैं, मैथ्यू गॉस्पल चैप्टर 6:33 एकदम प्रसिद्ध वचन है। वहां लिखा है, तू पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज कर तो तुझे सब वस्तुएं मिल जाएगी। क्या सचमुच हम लगे हैं रात और दिन खुदा के काम में लगे हुए हैं? खुदा को खोजना है, प्रभु को खोजना है, परमेश्वर को खोजना है तो तेरी सारी जरूरतें पूरी होगी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। कैसा परमेश्वर ने आश्चर्यचकित रूप से हमारी जरूरत पूरी किया ये बताने का अभी समय नहीं। बहुत लोग कहते हैं आपके वीडियोस लंबे होते हैं, इसलिए हम सॉरी, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गवाहियां बहुत है, हजारों बाद में बताएंगे कभी। जी हाँ, सो सेवक लोगों के लिए नियम है। अगली बात, दो तीन बात, दो बातें पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। अपना काम, जो आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी कीजिए, अपने काम में जो कुछ आप करते हो उसमें महारत हासिल करें, मास्टरी, महारत हासिल करें, उसमें निपुणता लाए, निपुण बने अपने काम में, तो आप एक स्पेशल व्यक्ति बनेंगे, विशेष व्यक्ति बनेंगे और आप स्पेशल ब्लेसिंग पा सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग काम तो करते हैं पर उसमें उनकी महारत नहीं होती है, उन्हें लगता है बस काम करके निकल जाओ। सादी बात, अगर कोई पेंटर आता है पेंटिंग करने वाला, तो कई जगह ऐसा आपने देखा, अच्छा पेंटिंग नहीं किया ये आदमी ने, देखो यहां छूट गया, यहां छूट गया, यहां बराबर नहीं मारा है, यहां अच्छा नहीं लग रहा है। वो पेंटर कहता, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, आप मुझे सिखाओगे? भाई साहब सीखना पड़ेगा, अगर सामने वाला आपका जो ग्राहक है आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा गलती क्या हो रही है। पर हम मानना ही नहीं चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते हैं, हमारा एक अलग प्रकार का घमंड काम कर रहा है ना। आप जो काम कर रहे हो उसमें महारत हासिल करें कि सामने वाला व्यक्ति कहे, मुझे और कोई नहीं, मुझे यही आदमी चाहिए, इसी आदमी से काम कराना है। ये महारत लीजिए आप सामने से काम मांगने जाना नहीं पड़ेगा, काम आपको ढूंढेगा और बोलेगा आपको, जब टाइम है तब हम अपना काम निकालेंगे। महारत हासिल कीजिए अपने काम में, निपुणता लाइए, मास्टरी लाइए अपने काम में। मैं कई सारे लोग देखता हूं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, पेंटिंग करते हैं, दूसरे काम करते हैं, पर बहुत थोड़े लोग होते हैं जिसमें उनकी मास्टरी होती है, निपुणता होती है, महारत होती है, बिल्कुल भी नहीं होते, और वे सीखना भी नहीं चाहते, वो उसी में संतोष, मैं तो बहुत अच्छा गा लिया, मैंने अच्छा काम कर लिया, मैंने अच्छा पेंटिंग कर लिया, यही सब होता है। महारत कीजिए, निपुणता लाइए, कुछ भी काम कीजिए, मास्टर बनिए उसके अंदर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, छोटे छोटे दो दो फीट के गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोद ले, एक ही जगह मेहनत करे, पानी मिलेगा। आपकी 10 पीढ़ियां उस कुएं का पानी पिएगी, लेकिन दो फीट के अगर 100 भी गड्ढे खोद ले, एक भी गड्ढे में पानी नहीं लगेगा। गहराई में जाए, जो कुछ आप प्रोफेशन है, आपका जो भी काम है, जॉब है, स्किल है, उसमें डीप में जाइए, सोचे मैं इसी फील्ड में मास्टरी करना चाहता हूं, लोग आपका इंतजार करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा एक वचन है बाइबल में, नीति वचन 22:29, प्रोवर्स चैप्टर 22:29, जहां लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, आपकी चॉइस, आपकी बुलाहट कहा होगी, बड़े बड़े लोगों के सामने, राजाओं के सामने, आप छोटे लोगों के सामने नहीं जाओगे, आपकी डिमांड रहेगी। कौन निपुण है कामों में, जो कुछ आपका काम है उसमें एकदम महारत हासिल कीजिए, निपुण कीजिए, खुदावन आपको बड़े लोगों के बीच, बड़े कामों के बीच परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। आखिरी बात पता के समाप्त करना चाहता हूं, अर्निंग के बारे में, कमाने के बारे में, हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमने काम और अर्निंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। जो कुछ आप कमाई करते हो, जो कुछ आप काम करते हो, उस काम में ईमानदार होना चाहिए, अपने काम में बेईमानी ना करें, अपने जॉब में बेईमानी ना करें। कई सारे लोग 8 घंटे की तनख्वाह लेते हैं, हमारे देश में हमारे सरकारी लोग बहुत ही बदनाम है कई चीजों के बारे में, मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कहती है बदनाम है, बोले वो लाइन में खड़े हैं, कई सरकारी दफ्तरों में लाइन में लोग खड़े हैं। क्यों खड़े, किसने पूछा? साहब चाय पीने गए, कितने बजे गए? साहब 12 बजे चाय पीने गए, अभी 2 बज गए साहब आए नहीं, चाय पीने में 2 घंटा लगा दिया साहब ने, लेकिन साहब की तनख्वाह पूरे महीने की कंप्लीट होती है, भले ही वो पूरा काम ना करे, छुट्टियां मारे। हमारे देश में ऐसा होता है, दूसरे देशों में कुछ अलग तरीके होते हैं। सो कई सारे लोग पूरा पैसा तो लेते हैं पर पूरा काम नहीं करते हैं, पूरा काम नहीं करते हैं, ईमानदार बने। मैंने पहले बताया, हम जो करते हैं प्रभु के लिए करते, किसी इंसान के लिए नहीं करते। प्रभु की नजर में आपकी ईमानदारी रहना चाहिए, आपका काम करने का टाइम, आप जो व्यापार करते हो, बिजनेस करते हैं, वो लीगल होना चाहिए, वह सच्चा होना चाहिए, उसमें ईमानदारी के साथ होना चाहिए।
चोरी करने का प्रयास ना करें, झूठ बोलने का प्रयास ना करें, थोड़ी चीज छुपा के आज अपना छोटा काम निकालने का प्रयास ना करें, दोबारा आप ऐसे लोगों को खो देंगे। एक सब्जी वाला था, सब्जी बेचने आता था, ऐसा कहता था कि सब्जी ले लो मेरे पास ताजी ताजी सब्जी है, सब्जी ले लो। उसके जो बोलने का तरीका था उसमें बड़ा आकर्षण था कि बहुत ही अच्छा बेचता है, अब भी तोड़ के लाया, अब भी ताजी, ऐसा बोलता था। और एक दिन मैंने लिया सब्जी, पालक, पालक की भाजी जो मिलती है सब्जी, वो लिया और घर में लाया, बहुत अच्छी दिख रही थी ऊपर से, और जब मैंने खोल के देखा तो अंदर पूरी खराब निकली और सड़ी हुई निकली। क्या बोल के बेचा, सब्जी ले लो ताजी है। अच्छा उसके बाद क्या, मात्र 10 रुपए की सब्जी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस आदमी से के पास जाना बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया, और मेरे साथ जितने लोग शायद जान पहचान के थे वो भी उससे खरीदते थे, उनको बोल दिया तुम भी इसके पास से नहीं खरीदना। क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान बताइए, क्योंकि वो आदमी बेईमानी से बेच रहा है। एज अ ग्राहक मैंने अपना रोल निभाया कि भाई मुझे उससे खरीदना नहीं है, उसने पैसा पूरा लिया और माल नकली दिया, ठीक है। अब हम कमाई की बात करें, व्यापार की काम बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा व्यापार करते हो तो आप क्या खो देंगे, अपने ग्राहक खो देंगे, और ग्राहक खो देंगे तो पैसा खो देंगे, आपको डाउन आना पड़ेगा। ईमानदारी रखिए, बोल के देना भाई ये कल की है आज की नहीं है, ले जाइए, थोड़ी अच्छी है थोड़ी अच्छी नहीं है, बोल के ले देंगे आप तो सचमुच लोग आप पर भरोसा करेंगे, ये सही बोलता है, जो है वो सही बोलता है, आपके ग्राहक बढ़ेंगे। सच बोलने से फायदा होता है मेरे प्यारो, झूठ बोलने से खुद ही का नुकसान होता है। मैंने जैसे उनका ग्राहक दूर हो गया, ऐसे कितने लोग दूर हो गए होंगे उसके पास से। इसलिए अपने काम में ईमानदार रहिए, जो कुछ आप व्यापार करते हो बिजनेस करते हो उसमें ईमानदार रहिए और काम लगातार करते रहिए। प्रभु ने हमें काम दिया है, काम करने के लिए बाइबल में बहुत सारे प्रेरणादायक लोग हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, वो तो बढ़ई के घर में पैदा हुआ तो बढ़ई के काम करते थे, बढ़ई का काम जानते थे, काम करते थे। हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस बोलता है मैं किसी पर बोझ नहीं बना, मैं तो सेवा अपने पैसों से करता था। वो कहता है मैं तंबू बनाने की सेवा करता हूँ और तंबू का काम करता हूँ, अपना पैसा कमाता हूँ, उससे तुम्हारा अपनी जरूरतें पूरी करता हूँ और सेवा का ही करता हूँ। सो अपने काम में हमने ईमानदार होना चाहिए। आइए, बहुत सारे लोग हैं पर हमारे पास समय कम है, आइए हम प्रार्थना करें, आज कमाने के लिए प्रार्थना करें, अर्निंग के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे प्रभु मुझे आप बुद्धि समझ ज्ञान दो ताकि मैं कमाने लायक बन जाऊं, कमाने योग्य बन जाऊं, और मेरे अंदर तू मेरे हुनर को बता, मेरे अंदर ईमानदारी को दे, मेरे अंदर के आलसीपन को दूर कर, मेरे अंदर जो गलत बातें संसार की अभिलाषा है, संसार का मनोरंजन भरा हुआ है, इसको दूर कीजिए प्रभु, और मुझे एक अच्छा इंसान बनाए ताकि मैं प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलने वाला बनूं। अगले कड़ी में हम दूसरे विषय को देखेंगे जो फाइनेंस से जुड़ा रहेगा। मेरे पास यही बिब्लिकल फाइनेंस है, इसे हमें ध्यानपूर्वक समझना है। यदि आप समझ जा चुके होंगे तो इसका फल जरूर आपके परिवार को मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते कि आपने हमसे बेहद प्यार किया है। प्रभु जी आज आपके वचन से हमने देखा कि कमाना कितना जरूरी है, काम करना कितना जरूरी है, और काम करने के लिए आपके सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण है। प्रभु हमसे बात कीजिए, हमें सिखाइए कि हमें क्या काम करना चाहिए। मेरे बहुत सारे से भाई बहन है प्रभु जी जो बड़े कंगाली में बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है, आप उनसे बात कीजिए, बताइए कि वो क्या काम कर सकते हैं। उठाइए प्रभु और उनसे काम कराइए। प्रभु जी कई सारे लोग का हुनर तो बहुत कुछ है पर उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास क्या हुनर है। आपसे निवेदन करते प्रभु आप उनसे बात कीजिए और उनका हुनर उन्हें याद दिलाइए ताकि वे आपके कार्य के लिए काम कर सके पिता परमेश्वर, और अपना परिवार चला सके। बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं, उनके पास काम नहीं है, बहुत सारे लोग कंगाली की तरफ बढ़ गए, काम नहीं है। प्रभु आपसे विनती करते, जैसे आप यूसुफ के संग थे, आप याकूब के संग थे, आपने उनके कामों को सफलता दिया, प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करता हमारे तमाम भाई और बहनों के साथ आप हो लीजिए प्रभु, क्योंकि आप रहेंगे तो पदोन्नति आएगी, सफलता आएगी, सक्सेस आएगा। परमेश्वर पिता आइए उनके जीवन में आप आशीर्वाद दीजिए और उन्हें तरक्की दीजिए। ईश्वर राजा धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु, होने पाए कि लोग इस विषय को जाने और अपने जीवन में आर्थिक क्षेत्र में अधिक पक्के और मजबूत बने। प्रभु धन्यवाद करते, हर एक को आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद करते। आएगा समय आपके हाथ में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।